चलो मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज संडे है, आज एक और अच्छा व्लॉग बनाने जा रहा हूँ आप सभी के लिए। तो जो मेरा पहला व्लॉग था मेला, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे, व्यूज़ भी ठीक ठाक आए हैं, बढ़िया आए हैं। तो इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। आज संडे है तो जो अनुराग है वो मेरे घर के थोड़ा ही आगे रहता है, तो वो मेरे साथ जा रहा है। आज हम बाइक राइड पर जा रहे हैं और अप्रॉक्स यहाँ से मेरे घर से जहाँ हम जा रहे हैं वो 10 से 12 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कैसा सीन रहता है। आज मैं 5 बजे उठ गया था, 5 से पहले ही उठ गया था, और फिर अभी बज रहे हैं 6:30। तो अभी हम निकलते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो निकलते हैं, और ये मैंने जैकेट कल ही लाया था, ये मैं जैकेट, तो इसको पहन के मैं जा रहा हूँ, तो इसको पहन के जा रहा हूँ। इसको देखेंगे, इसको मेरे को देखना भी है कि इसमें ठंड अंदर बचती है या नहीं बचती। तो चलते हैं और आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो फिलहाल गाइस, मैं अपनी बाइक पर तो आ गया हूँ, और अभी आप देख रहे हो सामने उजाला भी सही से हुआ भी नहीं है। तो निकलते हैं अपनी संडे बाइक राइड पे, अनुराग आगे ही मिलेगा थोड़ा आगे, तो चलते हैं। अब इसको क्या हो गया, अनुराग आने वाला है, यहीं पर आएगा। तो अभी अनुराग आया, अनुराग ने अपना हेलमेट का सिस्टम ऐसा बनाया है, कल रात में इसने ये पूरा तैयार कराया। मैंने तो चेस्ट माउंट लगा रखा है, इसने गोप्रो जैसा कुछ सिस्टम रेडी कर लिया। तो चलते हैं, ये अपनी R15 लेके आया है, और हम अपनी गाड़ी से आज देखते हैं कितनी राइड होती है, और टाइम लैप्स रिकॉर्ड करेंगे अगर सही भी मिला तो। ट्राइपॉड रख लाया? हाँ रख लाया, मैं भी रख लाया। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने अभी अपना जुगाड़ बनाया था, तो फिर चल लेते हैं। चलो आज ज़्यादा ठंड नहीं है। आज मैं सुबह उठा, मैं आज 5 बजे उठ गया था, 5 बजे उठ गया, 5 बजे उठ के मुझे वो ठंड महसूस नहीं हुई जो उस दिन हो रही थी जिस दिन मैं गया था। ये इस रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ ना, यहाँ पर पूरे यहाँ से आगे तक 12 स्पीड ब्रेकर हैं। देखो एक पीछे निकल गए, दूसरा ये, और आगे दिखाता हूँ आपको, 3। मैंने चेस्ट माउंट लगा रखा है, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि पता नहीं क्या आया। तो उस दिन मैं मेले जा रहा था, तब भी देख रहे थे क्या लगा रखा है, क्या है, मतलब ज़्यादा लोग क्या यहाँ व्लॉगिंग करते नहीं हैं, करते भी हैं तो ऐसे जो गैजेट्स होते हैं जैसे चेस्ट माउंट हुआ या कुछ ट्राईपॉड वगैरह, तो कोई भी ऐसे देखेगा तो मतलब सोचता है ना ये क्या है, तो इसलिए देख। आज ज़्यादा ठंड नहीं है, कोहरा भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो बस जिस जो व्यू हमको चाहिए वो मिल जाए। वैसे मैं तो काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ न्यू कलेक्टेड, ये अनुराग बता रहा है कि चलते हैं वहाँ पर। क्या हुआ, चलें? वैसे वैसे है ना, मेरे को जुपिटर में मज़ा आता है, जुपिटर चलाने में। ये क्या है, बाइक मुझे सही नहीं, मतलब गियर इसमें जब स्टार्टिंग में तो गियर मेरे फंस जाते थे, फिर धीरे धीरे जब चलाने लगा।
तो क्या हो गया, क्या हो गया? सही आ रही है? हाँ, माइक का माइक तूने सही नहीं लगाया होगा, थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। थोड़ी बहुत तो आ रही है, ऐसे तो मतलब ऐसा लग रहा है ड्यूअल टोन आ गया ऑडियो में, लेकिन इसके अंदर पड़ा है तो गूंज रही है आवाज़ का। अरे रिकॉर्डिंग तो सही हो रही है। बिल्कुल ठीक हो रही है ना, एक नंबर। चल चल चलते हैं, नहीं तो अपन लेट हो जाएंगे वहाँ पे, अपन को टाइम लेस भी रिकॉर्ड करना है। ये लग रहा है कहीं वो बंद ना हो यार। नहीं बंद नहीं होगा, बस तू वीडियो देख, मतलब वीडियो स्टार्ट कर ले। ये क्या होता है इसमें है ना, कभी कभी हो जाता है अपन लगा लेते हैं और वीडियो स्टार्ट की नहीं होती अपन ने, अपन निकल देते हैं। मैंने भी तो मैं पूरे टाइम ही चालू है मेरी वीडियो, मैं बंद ही नहीं कर रहा रिकॉर्डिंग। हाँ सही है, मेरा फोन किसी उसका तो है नहीं, मतलब आ जा। और अभी हम आ गए ग्वालियर रेलवे स्टेशन, जैसे कि आप देख रहे हो। चलो आगे तक अंदर से घुमा के लाता हूँ आपको। इस साइड आगे जाके ग्वालियर रेलवे स्टेशन है, अपन तो यहीं से निकल लेते हैं। जिसमें मैं आता हूँ और पूरा ये बहुत बड़ी है यूनिवर्सिटी के अंदर से, जिस दिन मैं जाऊँगा तब दिखाऊँगा। ये है डबल डबल आई डबल टी एफ, अरे ये तो होता है, ये तो पहली बार से देख, डबल आई डबल टी एफ सही है। हम यहाँ पर ओ ठंडे के मारे हालत खराब हो गई यार, यहाँ पर आगे ठंड ज़्यादा है। मैं सेफ्टी के लिए ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब जैसे मान लो अगर उससे रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर ये तो रहेगा ही अपने पास। यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, इतनी दूर आके रुके हुए हैं, ये भी है मेरे साथ में, और लिटरली मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि उसको भी फील हो रहा है। अगर मेरे को अकेला फील हो रहा होता तो ऐसा नहीं होता, बट मेरे को नहीं। ये अपना ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, ये आउटर एरिया पड़ जाता है ना। मैं इसलिए फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अगर कभी रिकॉर्डिंग नहीं की गई तो यार मेरे तो एल लगने वाले हैं, तो उसी वजह से मैं रुक के रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये देखो आप सामने बोर्ड देख रहे हो, न्यू कलेक्ट्रेट के लिए सीधे जाना है और न्यू हाई कोर्ट के लिए राइट जाना है, एजी ऑफिस के लिए राइट जाना है, एसटी ऑफिस के लिए भी सीधे जाना है, तो हमको जाना है न्यू कलेक्ट्रेट। तो चलते हैं, चले अब। ये आ रही है मेरा, क्या हो गया ये चश्मे पे अलग फॉग जमता रहता है, ये देखो मेरे वाइजर पे हो रहा है। ये देखो गाइस कितना फॉग जम जाता है, ये मास्क लगा लो, चश्मे वालों के साथ यही दिक्कत है। मास्क मत लगाया करो ना। अरे मैंने ठंड की वजह से लगा लिया, नहीं तो नाक मेरी लाल पड़ जाती। क्या अब वो मैं ला नहीं पाया जल्दी जल्दी में, आज मैं कैप लगा के आ गया। चलें तो फिलहाल हम उस रोड पर आ गए न्यू कलेक्ट्रेट जहाँ पर हमको आना था। थोड़ा पहाड़ है, तो पहाड़ पर जाना है, व्यू देखो आप सामने का, व्यू देखते चलना गाइस, तो व्यू में से हो जाएगा। ये देखो पेड़ ही पेड़, ओहो फॉग देखो फॉग, भाई साहब क्या व्यू है यार, ये तो उतार के दिखाना पड़ेगा उतर के। बाइक लाना अलाउड था कि नहीं था? शायद नहीं था मुझे लग रहा है, लेकिन अब क्या होता अपन तो ले आए। गाइस मैं यहाँ
तो जैसा कि आप देख रहे हो, अभी मैंने आपको पूरा मोटो ब्लॉग दिखाया है यहाँ तक। अभी हम न्यू कलेक्टेड पर ही ऊपर खड़े हैं। मुझे लगा कि और ऊपर पहाड़ है, मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर इस साइड। बहुत पहले आया था एक बार, तो अब तो खैर रोड वगैरह बदल गई हैं। और अनुराग भी है। कैसा रहा अनुराग मोटो ब्लॉग आज का? मोटो ब्लॉग तो बढ़िया रहा एकदम। और मैं जिस फोन से मोटो ब्लॉग कर रहा था, आई मीन हेलमेट पे लगा के, वो जुगाड़ दिखाया था तुमने, उससे जुट कर रहा था। आई थिंक ठंड के कारण मेरे फ़ोन पे कुछ टेम्परेचर इशू आ गया और वो बोलने लगा टेम्परेचर लिख के आया और वो स्विच ऑफ हो गया। अब वो ऑन ही नहीं हो रहा है। मेरे को ऐसा लगता है फोन गया। R15 कैसी चली? R15 जैसी तो कोई गाड़ी नहीं है उस रेंज में। पानी जैसी नहीं, मतलब बगा रहा था। इस बाइक के अंदर मैं इतना गारंटी कह सकता हूँ, इस बाइक के अंदर दो बाइक है। जब तक ये 60 से नीचे रहती है अलग बाइक रहती है, और 70 जैसे ही क्रॉस करती है ये बाइक मतलब बीस्ट बन जाती है बाइक। इतनी मेरी गारंटी है जो भी चलाएगा। वीडियो थोड़ा हिलते हुए दिख रही होगी आपको, क्योंकि क्या मेरे हाथ ठंडी के मारे ऐसे कपकपा रहे हैं। और मैं ट्राइपॉड लाया हूँ, लेकिन अब ट्राइपॉड क्या लगा बार बार, तो इसलिए थोड़ा सहले ना यार, थोड़े से हाथ ऐसे कपकपा रहे हैं। और आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। सामने बिल्कुल फॉग हो रही है, पहाड़ सही से दिखेंगे नहीं। और अभी हम झांसी रोड साइड इससे थोड़ा और आगे जाके देखेंगे, तो सामने न्यू कलेक्टेड ऑफिस है, ये यहाँ पर बाइक खड़ी है। यहाँ से हम नीचे से आए थे, ये देखो इस साइड ये ऐसा व्यू है। ये पता नहीं क्या इतनी बड़ी बिल्डिंग सी बन रही है, इसमें मुझे लगता है दुकानें हैं या फिर कुछ हॉस्टल या कॉलेज बन रहा है। शायद कॉलेज लग रहा है मुझे तो, ये क्योंकि ये देख खिड़कियाँ लगी हैं, विंडो नहीं, तो ये फ्लैट नहीं लग रहा है मुझे। ये कोई ऑफिस वगैरह बन सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस। हाँ हो सकता है गवर्नमेंट का कुछ बन रहा हो ऑफिस वगैरह। और ये देखो इस साइड का व्यू देखो आप, पहाड़ी पहाड़। और ये सामने कोई बिल्डिंग है, और ये देखो ये नीचे पता नहीं क्या है, पानी की टंकी है इतनी बड़ी, इसमें पानी भरा है शायद। पहली बार ऐसी टंकी देखी है मैंने प्लॉट के एरिए में, और उसके अंदर पानी है, ऊपर से ये पूरा कवर है। ठंड देखो, व्यू चेक करो आप, ये बिल्डिंग बढ़िया लग रही है। चलें अपन, बिल्कुल चल सकते हैं। कहाँ पर चलना है बता। ये है अनुराग की R15, ये अभी ली थी ना। हाँ। कितने की पड़ी है? 225 समथिंग या फिर उससे कम, ज़्यादा 225 के आसपास। हाँ आसपास। तो ये है R15 M है क्या? ये R15 M है, ये R15 M क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर मतलब इसमें गियर शिफ्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक बिना क्लच दबाए। अच्छा अपने आप ही हो जाते हैं अपर शिफ्ट करने के लिए बिना क्लच दबाए। सही है, तो चलते हैं अभी हम आगे, यहाँ से आगे निकलना है अभी हमको। देखते हैं आगे और व्यू दिखे। यहाँ तो फॉग ही फॉग हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा टाइम लैप्स रिकॉर्ड हो पाएगा। क्या लगता है हो जाएगा टाइम लैप्स कहीं अभी रिकॉर्ड होना मुश्किल है, क्योंकि फॉग काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। अरे यार अपने हजीरे साइड तो बिल्कुल ही नहीं था, मुझे वहाँ गर्मी सी लग रही थी। अभी तो मैं दिख नहीं रहा है, कभी दिन में आना यहाँ पे, ये पूरे पीछे पहाड़ी पहाड़ है। हाँ वो तो थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बट वीडियो में शायद ना दिख रहे हूँ आपको। ये देखो आप पीछे पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं इस साइड। तो अभी फ़िलहाल हमारा फ़ोटो शूट हो गया, थंबनेल के लिए हमने फ़ोटो निकाल ली है, व्यू दिखा दिया है। थोड़ी देर यहाँ पर हम रुके थे, तो कुछ ऐसा सीन है अभी का। अनुराग भी अपनी बाइक पर बैठ गया, अभी हम आगे की साइड और जा रहे हैं, आगे की साइड देख के आते हैं कैसा व्यू है। तो चलते हैं। ओ यहाँ पर ही देखिए दो लैब्राडोर खेलते हुए। तो आप देख रहे हो सामने का व्यू, सन आने लगा है। अभी हम आगे जाके देखते हैं आगे रास्ता है या नहीं है। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो सामने है रास्ता बंद। अब कहाँ जाएं, पीछे जाना पड़ेगा। सामने का व्यू देखो, सामने का व्यू देखो। इस साइड चलें, इस साइड कहाँ पर निकलते हैं। टाइम लैप्स तो शायद रिकॉर्ड हो जाएगा, बस हम कोई अच्छी सी जगह देख लें। ये पमेरियन दौड़ लगाते हुए, यहाँ पर काफ़ी लोग अपने डॉग्स को लेकर आते हैं।
ये पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं यार, हमको तो पता ही नहीं है किस साइड जा रहे हैं। ये लेबरा अभी तक खेल रहे हैं, लेबरा बहुत फनी होते हैं सच में। ओ एनर्जी देखो, एनर्जी थक जाते हैं खेलते खेलते, दौड़ लगाते लगाते। अपन जा कर रहे हैं यार। तो आज जहाँ तक मुझे पता है अभी तक हमने 10 से 12 किलोमीटर कर लिए हैं बाइक से, और अभी लौट के जाएंगे तो वही 18 से 20 किलोमीटर आप मान लो कम से कम आज बाइक राइड हो जाएगी। ये कहाँ आ गए? अरे ये तो वहीं आ गए यार। ये साइड का रोड गया जो इससे लेना है, साइड में चलना है। ये देखो ये आपको सामने दिख रहा है, ये मुदर ही आ गए थे, अब हम नीचे जा रहे हैं। हम नीचे जा रहे हैं फिर ऊपर आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता। तो फिलहाल गाइस अब हम जा रहे हैं, ये देखो आप सूरज कितना ऊपर आ गया अभी, और यहाँ पर फॉग भी अब थोड़ा कम होने लगा है। अनुराग ने अपना सेटअप बना लिया है, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सिनेमैटिक रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी निकलते हैं और सीधे चाय पियेंगे जाकर, क्योंकि ठंड में हो गई है हालत ख़राब। चलते हैं आगे तरफ। यहाँ पर भी हमको सिग्नल देखने को मिल रहा है, हमको सीधे सामने जाना है। कितने सिग्नल हैं यार, अब एक आगे और आएगा थोड़ी दूर जाके। चाय वाला कहाँ पे? अपना इसी रात पे ना राइट हैंड पे, क्या चाय वाला राइट हैंड पर ही है ना? लेट जाना है। हाँ मतलब सीधे जाके राइट हैंड पर। तो अभी हम आ गए हैं फिलहाल चाय पीने, टी लॉजी की चाय, टी लॉजी की होती है, टपरी की चाय टपरी की होती है। मोबाइल स्टैंड है मोबाइल। यार ये मेरे चश्मे पे फिर फॉग जम गया। चश्मे वाला भी यही प्रॉब्लम होती है, चश्मा लगाओ फॉग। ओह गरम गरम चाय, कुछ नहीं होगा, दो दो पी लीजिए। दो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हो ये हमारी आ चुकी है चाय कुल्लड़ में गरम गरम, ठंड में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। सामने आप देख रहे हो मेरे सामने टी लॉजी है जो कि अभी बंद है। तो जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे, हम चाय पियेंगे। तो ये हम चाय पी रहे हैं और वो भी चाय पी रहा है, बस। और सामने मेरे टी लॉजी है, बट जो मज़ा ऐसे बैठ के मतलब यहाँ खड़ोल से खड़े होकर पीने में है वो इसका ब्लॉग देखो, ब्लॉग बना रहा है। तो मैं चाय पी रहा हूँ, पहले चाय पी लेता हूँ, फिर चाय को ख़त्म करने के बाद आगे। तो ऐसे ब्लॉग बनाना पड़ता है गाइस, हमें लाइक कर देना इसी बात पर। टी लॉजी पे सामने लिखा है मेरा मूड कुल्लड़ यार मेरा कुल्लड़ सबसे बेस्ट चाय है यहाँ की। टी लॉजी पर टी लॉजी होती है। तो अभी एक और चाय आ रही है हमारी, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गई। यहाँ पे आप कितने बजे आ जाते हो सुबह? 6:30 बजे। कितने बजे तक? 10:30 11:30 बजे।
कर्फ्यू लग गए इसीलिए। हाँ अच्छा, रात के 10:30 बोल रहे हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा था सुबह? मुझे लगा सुबह ये मान लो इनके पास कोचिंग आता था 34, वहाँ पे इतनी दूर घूम के आता था गोविंदपुरी सिर्फ चाय पीने यहीं पे। नहीं, चाय में तो काफ़ी मज़ा आ गया सच में, टेस्ट काफ़ी सही चाय है। तो अभी फ़िलहाल हमने चाय पी ली है आकाश टी स्टॉल पर, अगर आप इस साइड आते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। ये मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, भैया ने मुझसे कुछ नहीं बोला है बोलने को वीडियो में। मुझे चाय काफ़ी अच्छी लगी इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कुल्लड़ में थी तो और मज़ा आ गया। तो फिलहाल हम घर के लिए निकल रहे हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। जैसा कि आप देखो सामने पेट्रोल पंप है, पेट्रोल डलवानी है हमको, तो पेट्रोल डलवा लेते हैं। अनुराग भी डलवा रहा है। ओ, 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 180 कर दो भैया। कितने रुपए लीटर चल रहा है यहाँ? 107 रुपए लीटर।